साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर आपका दोस्त मुकेश गुप्ता एक नए डिस्कशन टॉपिक के साथ। आज डिस्कशन के लिए हमारा टॉपिक है, आजकल आप एक नया शब्द, बड़ा ही प्रचलित शब्द आप सुन रहे हो आजकल टीवी में, अखबार में, रेडियो, टेलीविजन और चारों तरफ, डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, लेस कैश अर्थव्यवस्था, अर्थात नकदी रहित अर्थव्यवस्था। हालांकि आपने इसके बारे में काफी जाना होगा, समझा होगा, तो आज हम इसके संबंधित जो प्रश्न है हमारे मन में उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने ये डिस्कशन ऑडियो की जो शुरुआत करी है, इसमें मेरा मूल उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिए या उन प्रतिभागियों, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से जो प्रशासनिक सेवाओं की, और उसमें भी जो आपका रिटर्न जो मेन एग्जाम होता है, और अगर किसी भी वैकेंसी में आप इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कि एक जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उनके ऊपर एक अपनी एक मौलिक समझ विकसित करना या उसके बारे में हमारी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करना, व्यापक करना, उस उद्देश्य से मैं ये जो विभिन्न जो हम जो चर्चा में चल रहे हैं उन नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मैंने ये टॉपिक चूज किया है, डिजिटल इकोनॉमी वाला, कैशलेस सिस्टम वाला, हालांकि मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं अपने विचार इसके ऊपर रखने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें हम आज जानेंगे कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी, नकदी रहित अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी है क्या, और दूसरा कि ये मोदी जी की हमारी वर्तमान में जो सरकार है ये इसे क्यों लाना चाह रही है, इतना क्यों ये कोशिश कर रहे हैं वर्तमान सरकार, इतना जो इतना प्रचार प्रसार कर रही है और इतना इसके लिए जो उन्होंने 8 नवंबर को जो 500 और 1000 के नोटों को लीगल टेंडर से हटाया, उनको अमान्य कर दिया, तो इतना ऐतिहासिक, इतना बड़ा कदम उठाया, तो सब कुछ ये ऐसा, ये इस नकदी रहित अर्थव्यवस्था को क्यों सरकार लाना चाहती है, और तीसरा हम जानेंगे कि इस व्यवस्था को लाने में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जितना मुझे समझ है वो देने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले नकदी रहित अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी या कैशलेस सिस्टम, लेस कैश सिस्टम या इकोनॉमी, इसका मतलब है कि सरकार चाहती है, या इस व्यवस्था का मतलब है कि बिना कैश के लेन देन करना, बिना नकदी जो रुपया या बिना पैसे के एक तरह से लेन देन करना। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके सरकार ने सुझाए हैं, हालांकि ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, भारत में भी बहुत कम प्रचलित है, हालांकि और विश्व के बहुत सारे देश हैं ऐसे कि जहां ये व्यवस्था प्रचलित है। यह है कि कई जगह कम और कई जगह ज्यादा, लेकिन कुल मिला के ये व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें जितना भी जो ट्रांजैक्शन हो या लेन देन हो पैसे का, या अगर कहीं भी पे करना हो, तो वो सब कुछ बिना कैश के, बिना नकदी के इस व्यवस्था में किया जाता है, जिसके कि सरकार ने भी हमारे यहां पर बहुत सारे तरीके सुझाए हैं, जिसमें आपका POS मशीन के द्वारा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के द्वारा, और इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, USSD जो कि सिंपल मोबाइल से भी किया जा सकता है, इसके अलावा जो UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और बहुत सारे ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, तो ये बहुत सारे जो कम से कम 4-5 तरह के ये तरीके हैं जो कि ये इस तरह की इकोनॉमी को विकसित करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं और ये सुझाए हैं। तो काफी सरकार इनके ऊपर जोर दे रही है। तो सरल शब्दों में बिना पैसे के, बिना नकदी के जो हम लेन देन करते हैं, हमारे ट्रांजेक्शन करते हैं, पे करते हैं, किसी को लेना हो किसी से पैसे, किसी को देना हो, तो सब कुछ अपने एक मोबाइल के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ये सब कुछ करना।
अब प्रश्न ये है कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है। तो मूल रूप से इसमें महत्वपूर्ण सरकार के जो उद्देश्य है वो एक तो सरकार जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि और अगर दूसरा हम देखें तो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए एक तो मूल उद्देश्य ही है। क्योंकि अगर जितना भी जो काला धन है, जिसको हम दो नंबर का पैसा बोलते हैं, वो इस व्यवस्था से वो खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जब सारा ट्रांजैक्शन जब नकद के बिना होगा, बैंकों के माध्यम से होगा, जब इन सारे तरीकों के माध्यम से जो बताए हैं उन तरीकों से होगा, तो सारा वो पारदर्शी होगा। तो उससे वो सारा पैसा बैंकों की नजर में रहेगा, सरकार की नजर में रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में रहेगा। तो एक तो वो उसमें पारदर्शिता आ जाएगी, तो उसमें कोई भी दो नंबर का ट्रांजैक्शन करने में झिझकेगा। अगर किसी को कोई भ्रष्टाचार के द्वारा मान लो कोई रिश्वत लेनी है, तो कैसे वो उस प्रकार लेगा, कैसे वो एक वॉलेट के द्वारा या कैसे बैंकिंग के द्वारा ले सकता है, क्योंकि वो तो वहां पूरा स्टेटस उनके पूरे स्टेटमेंट में होगा, पूरा वहां वो पारदर्शी होगा। तो एक तो मेन उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, कालाबाजारी को रोकना और पारदर्शिता को। दूसरा इसका मेन उद्देश्य सरकार का कि जो टैक्स जो चोरी होती है वो इससे टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो अगर मान लीजिए अपनी वो जो भी अगर नकदी से करता है तो वो कमाई ज्यादा करता है, जो भी जितनी बिक्री करता है वो पूरा दिखाते नहीं है, और जिससे कि वो दो नंबर की जो मनी है वो जनरेट होती है। तो ये तो चाहे वो जमीनों में हो, चाहे बहुत सारे व्यापार, बड़े बड़े व्यापार में हो, जबकि अगर ये नकदी रहित व्यवस्था होगी, अगर सारा जो ट्रांजैक्शन, सारा लेन देन अगर ऑनलाइन होगा, अगर वॉलेट के द्वारा होगा, ऑनलाइन होगा, इन सब तरीकों से द्वारा होगा, तो फिर उसमें वो सारा बैंकों की नजर, सरकार की नजर में रहेगा और उसको दुकानदार को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्स कलेक्शन है वो सरकार इससे बढ़ा सकती है। इसके अलावा जो और दूसरा उद्देश्य, जब टैक्स सरकार के पास आएगा तो जाहिर सी बात है सरकार जो देश में डेवलपमेंट करवा पाएगी, विकास कार्य करवा पाएगी, क्योंकि जो सरकार जितने भी योजनाएं आती है सब कुछ करती है, वो उस पैसे के द्वारा ही, वो जो टैक्स से पैसा सरकार के पास आता है उसके द्वारा ही वो डेवलपमेंट करती है। तो उन सब के लिए सरकार के पास पैसा होगा और पूरी जो इकोनॉमी है वो पूरा जो पैसा जब बैंकों में रहेगा, जब पूरा हो तो इकोनॉमी उससे बहुत एक तरह से डेवलप करेगी, विकास करेगी और बहुत ग्रोथ इससे हमारी बढ़ेगी। तो ये मोटे मोटे उद्देश्य सरकार के इसमें है। लेकिन समस्या ये है, ठीक है सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, सही हो सकती है, बहुत सारे देशों में सफल है भी। आज अगर हम विकसित देशों में देखें तो आज अमेरिका में अगला की सबसे ज्यादा जो कैशलेस सिस्टम है, डिजिटल इकोनॉमी का जो सिस्टम, वो बेल्जियम में है। लगभग 93% वहां नकदी रहित यहां लेन देन वहां होता है। उसके बाद लगभग 90% के आसपास फ्रांस में है, कनाडा में है, अमेरिका में भी लगभग 90% के आसपास होता है। तो और बहुत सारे देशों में ऐसा है। तो काफी विकसित देशों में ज्यादा है कि वहां ये नकदी रहित जो अर्थव्यवस्था है। तो जब वहां लागू हो सकती है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकती। तो सरकार भी वो उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा ये सब कुछ करना चाहती है। लेकिन मूल बात यह है कि इसमें हो सकता है जो विकसित देशों की व्यवस्थाएं हैं और हमारी जो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो पूरा ढांचा है, सामाजिक ढांचा हो चाहे वो आर्थिक ढांचा हो, क्या ये संभव है भारत में इस समय जो वैसी व्यवस्था है। तो इस प्रकार की जो ये सिस्टम लाने में, डिजिटल इकोनॉमी वाला सिस्टम लाने में क्या क्या बाधाएं सरकार के सामने हो सकती है, मूल पॉइंट जो हमारे सामने है, तो उसमें मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या रहेगी, एक तो हमारे यहां पर जो लोगों को इतनी अभी जानकारी नहीं है, जिसको हम कहेंगे कि डिजिटल लिटरेसी का अभाव है, कि जो डिजिटल साक्षरता है उसका अभाव है। आज अगर हम भारत में देखें तो बहुत कम लोग, अगर हम देखें तो ओनली 17% लोग स्मार्टफोन हमारे यहाँ पर यूज करते हैं। और ये सारा जो सिस्टम, एक यूएसएसडी को छोड़ दो आप, बाकी सब कुछ स्मार्टफोन से ही ये सक्सेसफुली हो पाता है, ये सारा जो लेन देन है। तो एक तो जब इतना कम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट यूजर की जो संख्या है, लगभग वो 34-35% लोग हैं वो हमारे यहाँ पर इंटरनेट यूज करते हैं केवल।
तो एक तो पहली समस्या यही है कि इतने कम लोग अगर जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो कैसे फिर इस व्यवस्था को 125-130 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में इसको लागू किया जा सकता है। तो पहली जो चुनौती है सरकार के सामने ये होगी। और अगर मान लीजिए ऐसा हो भी, अगर इसकी संख्या में बढ़े भी स्मार्टफोन लोग अगर ले भी, तो लेकिन इसके लिए फिर डिजिटल लिटरेसी नहीं है, साक्षरता नहीं है लोगों को। शहरों में चलो यूथ वर्ग जानता है, लेकिन जो गांव में ये स्थिति है कि उनको सिंपल फोन भी यूज करना या तो आता नहीं है, और स्मार्टफोन तो दूर की बात है, और फिर इतना सब कुछ करना, तो ये इतना ये जो साक्षरता है, डिजिटल साक्षरता है, वो बिना इसके कैसे ये कुछ संभव है अचानक से। तो एक तो ये समस्या आने वाली है। दूसरा, हमारे यहाँ जो इंटरनेट की जो व्यवस्था है, आज इंटरनेट बहुत कम लोगों तक आज इंटरनेट पहुंच पाया है अभी तक। पूरे भारत में कहाँ इंटरनेट पहुंच पाया है। तो जब बिना इतना इंटरनेट पहुंचे बिना ये कैसे पूरे देश में पूरी आबादी पर ये व्यवस्था लागू की जा सकती है, तो एक ये इसमें बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर जहां इंटरनेट है भी, तो फिर इतना स्पीड वाला इंटरनेट इसमें चाहिए होता है, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है इस पर, अगर वहां नेटवर्क चला गया तो फिर वो खतरा होगा। तो जो स्पीड, इस पूरी व्यवस्था के लिए स्पीड वाला जो नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, वो व्यवस्था चाहिए एक। तो वो उसकी समस्याएं हमारे यहाँ नेटवर्क की आए दिन ऐसे ही समस्या रहती है। तो इंटरनेट, पहली बात तो इंटरनेट कम है, और है तो फिर इतना स्पीड वाला नहीं है, इतना प्रॉपर व्यवस्था वाला नहीं है। आज हम भी देखते हैं, हम भी इंटरनेट यूज करते हैं, तो कभी न कभी कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी टावर चला गया, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। इसके अलावा बहुत बड़ी चुनौती कि जो हमारे यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो साइबर जो लॉ बना हुआ है, जो साइबर कानून है, वो इतना मजबूत नहीं है। आज अगर मान लीजिए अगर इतना ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, इतना ट्रांजैक्शन होता है ये नकदी रहित व्यवस्था के द्वारा, अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, अगर मान लो किसी के साथ धोखाधड़ी होती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार के पास इतने मजबूत कानून अभी आली में है? तो इतना साइबर लॉ हमारे यहाँ मजबूत नहीं है, तो सरकार उसको बिना मजबूत किए बिना कैसे इस व्यवस्था को लागू कर सकती है? अगर कहीं भी वॉलेट या फिर कहीं भी गलत ट्रांजैक्शन होता है या धोखाधड़ी होती है, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? फिर ये सारी इसके लिए ग्राहक क्या करेंगे? तो इसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं है, सरकार ने अभी तक इसका बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि इसके लिए क्या मतलब सुरक्षा के क्या मापदंड तरीके होंगे, किस प्रकार वो ट्रांजैक्शन सुरक्षित होगा। तो इतने वो साइबर लो उसको मजबूत अभी वो इतना मजबूत नहीं है। इसके अलावा जो और जो महत्वपूर्ण जो चुनौती मेरे हिसाब से जो लगती है, वो उसमें साइबर कानून के साथ साथ जो जितने भी जो हैकिंग जो होती है, अगर हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में, भारत में भी हमने देखा कि जो हैकिंग के द्वारा, धोखाधड़ी के द्वारा कि जो लोग हैक कर जाते हैं, जो अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ SBI के कितने लाखों जो डेबिट कार्ड है SBI को, वो उनको वापस लेने पड़े हैं, चेंज करने पड़े हैं उनको, तो वो हैक कर लिए गए हैं। आज अगर हम देखें बांग्लादेश में भी हमने देखा कि $100 मिलियन वहां के जो सेंट्रल बैंक में वहां उनकी उसको चोरी कर लिया गया है ऑनलाइन हैकिंग करके। रूस, इतना मतलब इनके विकसित देशों में देखो आप, रूस में वहां के जो सेंट्रल बैंक में वहां पैसा चोरी कर लिया गया है। तो जब इतनी स्थितियां बढ़ रही है, और भारत में इतनी सुरक्षा कहाँ है? साइबर जो हैकिंग को रोकने के लिए सुरक्षा के मापदंड बिल्कुल नहीं है। सुरक्षित अभी कैसे लोग भरोसा इस व्यवस्था के ऊपर कर सकते हैं? जितनी तो बिना सुरक्षा को मजबूत किए बिना, बिना साइबर कानून को मजबूत किए बिना सरकार ये सब कुछ कर रही है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती मेरे हिसाब से होने वाली है। तो लोगों को बहुत ज्यादा आशंका है। सबसे बड़ा कि अभी लोगों में एक तरह से लिटरेसी तो नहीं है, लेकिन वो तो साइबर जो लिटरेसी है, वो सॉरी जो डिजिटल लिटरेसी है, उसका अभाव तो है ही, लेकिन आशंकाएं लोगों में बहुत कुछ है, बहुत है कि चलो सीख भी ले, तो उनमें आज भी यही आशंका है अधिकतर लोगों में कि हमारा पैसा कहीं गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो गया, चोरी हो गया। तो ये सारे इन कारणों से ये अभी भी लोग उसको
उतना पूर्ण रूप से स्वीकार करें, इसके ऊपर मुझे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, या मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि अचानक से ऐसा सब कुछ सरकार जो अगर करती भी है तो ये सारी जो बाधाएं हैं जो हमने डिस्कस करी आज, ये सारी बाधाएं आने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इनके ऊपर अभी सरकार कोई चर्चा कर नहीं रही है कहीं भी, इतना जितना प्रचार प्रसार आ रहा है कि कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल, इतने सारे तरीके सरकार बता रही है, लेकिन इनको ये सुरक्षा के जो मापदंड है, जो हमारे यहाँ साइबर लो है वो है, तो वो सब कुछ उसके बारे में सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो इसके लिए अगर सरकार की मंशा है तो वास्तव में हो सकता है, संभव है धीरे धीरे, और जब से ये 8 नवंबर में मोदी जी की घोषणा के बाद ये पूरा जो नोटबंदी के बाद में, हालांकि इसमें वृद्धि हुई भी है जो नकदी रहित व्यवस्था में काफी ट्रांजेक्शन बढ़ा भी है, लेकिन अभी इतना जो मजबूत अभी भी उस उतना नहीं बढ़ा है जितना कि सरकार की कोशिश है, और वो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ जो चुनौतियां हैं वो उसके सामने हैं। तो इसमें अगर हम सुझाव दें तो सारे वही कि एक तो जो साइबर क्राइम है हमारे, सॉरी साइबर जो लॉ है उसको मजबूत करना पड़ेगा हमको, है ना। एक हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल या फिर साइबर जो अदालतें हैं वो हमें लगानी पड़ेगी, जिससे कि अगर मान लीजिए कहीं भी धोखाधड़ी होती है तो, जैसे विकसित देशों में अगर ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है या धोखाधड़ी होती है तो 24 से 48 घंटों में वहां पे वो पैसा है उनका वापस हो जाता है, उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था होती है, तो सब कुछ होता है। हमारे यहाँ पर अभी इतना न तो मजबूत कानून है, तो कानून को सरकार को मजबूत करना पड़ेगा, साइबर लॉ को उस तरीके से इतने व्यापक मात्रा में उसमें फेरबदल करके उसको मजबूत एक साइबर लॉ बनाना पड़ेगा, और सुरक्षा की जो मापदंड है, जो हैकिंग से कैसे रोका जा सकता है उसको, वो सुरक्षा मजबूत करनी पड़ेगी, साइबर अदालतें लगानी पड़ेगी जिससे कि अगर मान लीजिए कोई भी धोखाधड़ी होती है तो उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके, है ना। इंटरनेट की जो स्पीड है वो तेज स्पीड वाला इंटरनेट और पूरे भारत में व्यापक तरीके सब जगह पहुंचाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी सरकार के लिए चुनौती है। तो ये सारी जो, और लिटरेसी सबसे बड़ी बात, प्रचार प्रसार के द्वारा सरकार कर भी रही है, लेकिन काफी इसको हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि लोगों को, युवाओं को भी आह्वान किया था कि भाई लोग एक दूसरे को सिखाएं, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा, और जब तक ये जो आशंकाएं हैं वो समाप्त नहीं होगी तो लोग रुचि भी लेना नहीं चाहेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी चुनौतियां हैं, मंशा हमारी सरकार की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती है, और एक काफी जो उद्देश्य है इससे जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार कम भी होगा, टैक्स चोरी भी रोकी जा सकेगी, और डेवलपमेंट में भी काफी बढ़ावा हो सकता है, सब कुछ बातें हैं, लेकिन शायद अभी हमारे यहाँ पर इतना पूरा जो बुनियादी जो ढांचा है वो अभी इतना विकसित नहीं है कि ये सब कुछ अचानक से लाया जा सके। तो सरकार अगर लाना चाहती है तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रख के और जल्दी से जल्दी जो लोगों की जो आशंकाएं हैं उनको समाप्त करने पड़ेगा, और लोगों को इस पूरी जो ये जो आशंकाएं हैं, जो पूरे जो चुनौतियां हैं, इनसे निपटना पड़ेगा। तो फिर जाहिर सी बात है शायद हम आने वाले टाइम में फिर इसके ऊपर हम देखते हैं सरकार क्या करती है और इन आशंकों को, इन चुनौतियों से कैसे निपट सकती है। तो आज ये मेरे विचार आप लोगों ने जाने, आप भी इस बारे में अपने विचार रखें, अपनी बात रखें, और कोई इसमें चुनौती आपको लगती है नई ऐड, या कोई नया नई बात आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो जरूर आप करें, और हम फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक करंट इश्यूज के साथ हम उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।